नमस्कार, बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्यपाल का एक और विवादित बयान, कहा गुजराती और राजस्थानियों की वजह से महत्वपूर्ण है मुंबई, तत्काल माफी की हो रही मांग। राज्य में खेल प्रमाण पत्र घोटाले में 92 खिलाड़ियों की सूची जारी, इसमें नागपुर में पदस्थ लोगों के भी नाम शामिल। और चंद्रपुर के जुनोना तालाब में 3 लोग बहे, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी, वीडियो हुआ कैमरे में कैद। विस्तार से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहा कि मुंबई राजस्थानी और गुजरातियों की वजह से आर्थिक राजधानी है, उन्हें निकाल दिया तो क्या बचेगा। अब इस पर विरोध के सुर उठ रहे हैं तथा तत्काल माफी की मांग हो रही है। अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को मुंबई से बाहर कर दिया जाए तो मुंबई के पास क्या बचेगा, मुंबई कैसे रहेगी आर्थिक राजधानी। ये बयान राज्यपाल कोश्यारी ने दिया है। इसको लेकर राज्यपाल की आलोचना शुरू हो गई है। एनसीपी विधायक अमोल मितकारी ने ये बयान ट्वीट कर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से महाराष्ट्र से माफ़ी मांगने की मांग की। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी राज्यपाल के इस बयान की आलोचना की है। वो झाड़ी क्या है, वो पहाड़ क्या है, नदी क्या है, और अब ये मराठी आदमी क्या है, महाराष्ट्र का घोर अपमान। संजय राउत ने हमला बोलते हुए कहा है कि 50 खोके लेने वाले अब किस झाड़ियों और पहाड़ों में छुपे हुए हैं। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। भंडारा वेतन भविष्य निधि टीम माध्यमिक जिला परिषद भंडारा के अधीक्षक, जिन्होंने उपार्जित अवकाश भुगतान को मंजूरी देने के लिए 3,500 रुपए की रिश्वत लेने की मांग की थी, उनको भंडारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारियों ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। रिश्वत लेने वाले अधिकारी का नाम श्रीमती प्रतिभा मिश्राम है। शिकायतकर्ता 58 वर्षीय पुरुष कनिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए और उनकी अर्जित छुट्टी नकदीकरण कार्यालय अधीक्षक वेतन दस्ते शिक्षा विभाग माध्यमिक भंडारा को भुगतान अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। आरोपी श्रीमती प्रतिभा मेश्राम ने रिश्वत की मांग की। चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत का भुगतान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भंडारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराई। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारियों ने 28 जुलाई को जाल बिछाकर आरोपी वेतन अधीक्षक प्रतिभा मेश्राम को उसी के कार्यालय में 3,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। त्यांचा अर्जित रजेचा रोखी करण्याचा बिल 7वा वेतन आयोगानुसार अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक माध्यमिक भंडारा यांच्याकडे बिल सादर केलं होतं, परंतु त्यांचा बिल मंजूर करून देण्यासाठी आरोपी लोकसेवक महिला अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक माध्यमिक भंडारा यांनी त्यांना त्यांचे बिल मंजूर करण्याच्या मोबदल्याच्या ह्याच्यामध्ये 3,500 रुपयाची लाचेची मागणी केली। त्या अनुषंगाने तक्रार नोंदवण्यात आली, त्या तक्रारीची पडताळणी करण्यात आली, दिनांक 28/7/2022 रोजी पडताळणी करण्यात आली आणि पडताळणीमध्ये त्यांनी 3,500 रुपये लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्या कार्यालयात ट्रॅप लावण्यात आला आणि तिथं त्यांनी लाच स्वीकारल्यावर त्यांना रंगेहात पकडण्यात आले। त्यांना ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशन भंडारा येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्या गुन्ह्याचा तपास सध्या सुरू आहे। राज्य के खेल जगत को हिला देने वाली खबर है। राज्य में खेल प्रमाण पत्र घोटाले में महाराष्ट्र खेल विभाग ने फर्जी खेल प्रमाण पत्र दिखाकर सरकारी नौकरी पाने वालों की सूची जारी कर दी है। फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दिखाकर सरकारी नौकरी से भागे 92 खिलाड़ी है, इसमें नागपुर के पदस्थ लोगों के भी नाम है। स्पोर्ट्स विभाग के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में ये सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है। इन नामों की सूची महाराष्ट्र के खेल विभाग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है।
ये न सिर्फ 109 लोगों की सूची है बल्कि खेल विभाग ने इनमें से 17 खिलाड़ियों की सरकारी सेवा रद्द करने की भी सिफारिश की है। मीडिया में फर्जी एथलीटों और फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की खबरें सामने आई और पूरे मामले की पोल खुल गई। राज्य सरकार द्वारा एक साहसिक कदम उठाया गया है। सॉफ्टबॉल टेम्पोलिन का सर्टिफिकेट देकर मिली नौकरी अब खेल विभाग ने सील कर कार्रवाई की शुरुआत की है। दिग्रस के एक कॉम्प्लेक्स में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से एक दुकान मालिक के पूरे सामान का लाखों का नुकसान हो गया। नियमों को ताक पे रखकर बनाए ऐसे कंस्ट्रक्शन की वजह से ही ये घटना हुई है, ऐसा आरोप किया जा रहा है। वर्तमान में दिग्रस शहर में मुख्य जगहों पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाकर स्टॉलों और दुकानों को बिना किसी शर्त के उन्हें बेचने का काम जोर शोर से चल रहा है। भव्य दिव्य बने इस परिसर में आम आदमी द्वारा रूम्स खरीदने के बाद उन ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तिरुपति परिसर में कई किसानों ने अपना कृषि माल रखा, लेकिन इन दुकानों से पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों को तिरुपति परिसर में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। साथ ही सेवानगर के वसंत पवार ने भी मालिक से तिरुपति कॉम्प्लेक्स में प्लॉट नंबर 10-11 खरीदा, जिसमें उन्होंने तुअर और सोयाबीन का भंडारण किया था। उनकी पूरी आजीविका इस संग्रहित बीज पर निर्भर थी। तिरुपति कॉम्प्लेक्स में गंगा के पानी के कारण उनकी दोनों तुअर और सोयाबीन के 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस कारण किसान वसंत पवार को बहुत सारा भंडारित तुअर और सोयाबीन का नुकसान हुआ है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कलेक्टर यवतमाल अमोल येगे को पंचनामा लिखकर मुआवजे की मांग की है। जागा नसल्यामुळे मी दिग्रस येथे हे दोन गाळे माल ठेवण्यासाठी घेतलेले आहे, परंतु ह्या 2 दिवसाच्या अतिवृष्टीमुळे माझं ह्या गाळ्यामध्ये जवळपास 36-37 फोटो तूर होती आणि त्या गाळ्यामध्ये जवळपास 28-30 फोटो सोयाबीन होती आणि ह्या पावसामुळे हे सगळं पाऊस आणि जे आहे ते दुकानामध्ये गेलं आणि माझ्या मालाचं एवढं नुकसान झालेलं आहे। सदर मालाची शासनाने दखल घ्यावी आणि माझं जवळपास 4.5-5 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे। यामध्ये कोणकोणते बियाणं होते? याच्यामध्ये तूर होती जवळपास 36-37 होते आणि त्याच्यामध्ये जवळपास 28-29 होते सोयाबीन होते। आणखी काय होतं? आणि एवढंच मातीचं माल होतं आणि हे सगळं मातीमोल झालेलं आहे पाण्यामुळे। याची किंमत किती आहे अंदाज? याची किंमत अंदाज मार्केट रेटनुसार जर बघितलं तर जवळपास आज हे 4.7-5 लाखाचं जवळपास आहे। मला माझी विनंती आहे, माझं हे जे नुकसान झालेलं आहे, अगोदर यवतमाळ जिल्हा हा आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, त्याच्यामध्ये ह्या 2-3 दिवसापासून जी अतिवृष्टी झाली त्याच्यामुळे शेतातील पिकांची पण अजूनच नुकसान झालेले आहे आणि माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या मी जे ठेवलेला माल होता त्याच्यावर पूर्ण अवलंबून आहे। तरी शासनाला हे माझी विनंती आहे, जिल्हाधिकाऱ्यांना माझी हात जोडून खळखळीची विनंती आहे की त्यांनी माझ्या सदर मालाचा पंचनामा करून माजी। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। वेस्टवेल के पानी में तीन लोग बहाने का वीडियो वायरल हो रहा है। चंद्रपुर के पास जुनोना तालाब की ये घटना है। इस घटना में गांव के लोगों द्वारा दो को बचा लिया गया है और एक की तलाश अभी भी जारी है। और भारी बारिश से जिले में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही घरों के साथ साथ गौशालाएं भी गिर गई है और जानवरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि कार्य भी ठप हो गया है और रोजगार छीनने से कई लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग की। विपक्ष नेता अजित पवार ने कल यवतमाल जिले का दौरा किया और क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। वे जिले का दौरा कर विश्राम गृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। खरीफ का मौसम बीत चुका है और अब किसानों को दोहरी बुआई के लिए बीज उपलब्ध कराए जाए। भारी बारिश के कारण सड़कें भी खराब हो गई है और यातायात प्रभावित हुआ है। इसी के साथ ही कपास और सोयाबीन की फसलों की वृद्धि रुक गई है और आय की संभावनाएं कम हो गई है। इसलिए इन किसानों को विकल्प देने के लिए सभी 4 कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि आयुक्त और कृषि सचिव को पहल करने की जरूरत है। ऐसी मांग अजित पवार ने की। नाईक और बाकी उपस्थित सहकारी, आज आम्ही निम्मा दिवस वर्धा जिल्ह्यातले काही पाहणी पूर जिल्ह्यातल्या काही तालुक्याच्या गावांची पूरग्रस्तची पाहणी त्या ठिकाणी केली आणि दोन्ही ठिकाणी पाहणी झाल्यानंतर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटत असतो। कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, राज्याचे सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकारी तिथं काम बघत असतात आणि साधारण आम्हाला जे वाटलं ते आम्ही त्यांच्या लक्षामध्ये आणून दिलेलं आहे। परंतु मला एका गोष्टीचं आश्चर्य वाटतं, मी आज विरोधी पक्ष नेता म्हणून दौरा करतो आहे, तसंच शेतकरी, मी हाडाचा शेतकरी आहे, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचे जे काही नुकसान झालेलं आहे ते जवळनं पाहिल्यानंतर आपल्याला खऱ्या त्याच्यातल्या समस्या कळतात। उद्याच्याला पावसाळी अधिवेशन ज्यावेळी सुरू होईल त्यावेळेस आम्हाला पण राज्यामध्ये मराठवाडा विदर्भ आणि ज्या ज्या भागामध्ये पूरग्र मोठ्या प्रमाणावर आला तिथली काय परिस्थिती ती सांगायला सोपं जातं। इतके दिवस काही आत्ताचे सत्ताधारी पक्षाचे मान्यवर अजित पवार आत्ताच का गेले, आता मी कधी जावं तो माझा प्रश्न आहे, बाकीच्यांनी त्याच्यामध्ये नाक खुपसायचं काही कारण नाही।
पण मला एका गोष्टीचं आश्चर्य आहे, आज एक राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पण पूर ओसरल्यावर अजित पवार का गेले काय गेलं ते मी केव्हा जायचं ते मी ठरवीन ना. आज माझं आजही म्हणणं आहे की हे दोनच मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतायत. वास्तविक उपमुख्यमंत्र्यांनी पण सांगितलं की मागे उद्धव ठाकरे साहेब ज्यावेळेस सरकार त्यांनी स्थापन केलं त्यावेळेस 7 लोक होते, इन्क्लुडिंग त्याच्यामध्ये एकनाथराव शिंदे पण होते. आणि मी काल पण बोलताना कुठेतरी बोललो की ही ताकदीची माणसं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या लेवलची माणसं ही सगळी मंत्रिमंडळामध्ये होते. त्याचा उल्लेखच करायचं म्हटलं तर स्वतः उद्धव ठाकरे तर मुख्यमंत्री होते, पण एकनाथराव सिनियर मंत्री त्याच्यामध्ये होते, बाळासाहेब थोरात सिनियर मंत्री होते, भुजबळसाहेब सिनियर मंत्री होते आणि जयंत पाटील सिनियर मंत्री होते, मला वाटतं सुभाष देसाई सिनियर मंत्री होते, हे आपल्यालाही माहिती आहे. आणि आज त्यांनी त्यांच्या पद्धतीनं अडचणीमध्ये असणाऱ्या शेतकऱ्याला मदत करावी, हा कधी गेला हा कशाला गेला हे असले प्रश्न उपस्थित करण्याच्यापेक्षा आज जवळपास 15 दिवस होऊन गेलेले आहेत, काही ठिकाणी 17-18 दिवस होऊन गेलेले आहेत. आज फिरत असताना पण काही भागामध्ये पाऊस चालू होता, काही भागामध्ये पाऊस जास्त असल्यामुळं गाड्या देखील तिकडं पोचू शकल्या नाही, अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. पंचनामे सगळे झालेले नाहीत. मी आत्ताच्या आढावा घेत असताना माहिती घेत असताना बघितलं तर जवळपास आपल्या यवतमाळ जिल्ह्यापुरतं बोलायचं झालं तर 2.25 लाख हेक्टर क्षेत्र अंदाजे बाधित, त्यांचं 2 लाखापर्यंत पीक कर्ज आहे, त्यांचं कर्ज माफ करायचं, ते कर्ज माफ केलं, ते सरकारने त्यांच्या अकाउंटला भरलं. त्याच्यानंतर दुसरं होतं की जे नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी आहेत ते म्हणाले की बाबा आम्हीचं काय चूक आहे, आम्ही नियमित परतफेड करतो म्हणून तुम्ही आम्हाला काही देणार नाही, आणि ज्यांनी थकवलं त्यांना मात्र तुम्ही माफ करणार, हा सरासर आमच्यावर अन्याय. म्हणून मग त्यांना 50,000 रुपये अनुदान देण्याचा, प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. ते 1 जुलैला कालच्या वसंतराव नाईकांचा जन्मदिवस कृषी दिन म्हणून आपण साजरा करतो त्या दिवसापासून ती सुरुवात आपण त्या ठिकाणी केलेली आहे. त्याच्यामध्ये कमी पडणारा निधी 18 जुलैला आपण पुरवणी मागण्या घेणार होतो त्याच्यात होणार होतं. आता ह्यांच्या ह्या सगळ्या गोंधळलेल्या अवस्थेमुळं ते पावसाळी अधिवेशन पण घेत नाही, जे 18 घ्यायचं होतं नंतर म्हणले 25 त्यालाही घेतलं नाही, आता म्हणतात ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पर्यंत होईल असं वाटत नाही, कारण मंत्रिमंडळाचं विस्तार वाढ आणि खातेवाटप झाल्यानंतर कुठल्या कुठल्या डिपार्टमेंटला पुरवणी काय पाहिजे त्याचं त्या सचिवांनी आणि त्या मंत्र्यांनी बसून काहीतरी आखणी करावी लागेल, त्याला काही दिवस त्याला द्यावे लागतील. म्हणजे ते जर त्यांनी अधिवेशन तातडीनं बोलवलं तर आम्हाला सगळ्या लोकप्रतिनिधींना जिथं पाहणी केली ते मुद्दे तिथं मांडता येतील, आणि त्या सगळ्यांचं मुद्दे दोन्ही बाजूच्या सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षाचे ऐकून मग सरकार म्हणून सरकारला त्याचं उत्तर देता येईल. आणि तुम्ही जो तिसरा मुद्दा सांगितला की 2 लाखाच्या वर, त्यावेळेस मी असं सांगितलेलं होतं सभागृहामध्ये की अशा 3 योजना आपण जाहीर केलेल्या होत्या, परंतु योजना जाहीर केल्या, कर्जमाफीला सुरुवात केली आणि करोनाचं सावट आलं म्हणून 2 वर्ष करोनाच्या गंभीर आजारामध्ये आपले गेले आणि त्याच्यातनं उत्पन्नावर पण परिणाम झाला. पण मी सभागृहात मागच्या बजेटमध्ये हे सांगितलेलं होतं की आता परिस्थिती पूर्वपदावर यायला लागलेली आहे आणि आपण आता ते पण देणार आहोत. तशा पद्धतीनं 50,000 सुरू केलेलं होतं आणि 2 लाखाच्या वरचं पैसे शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतर बाकीचे 2 लाख रुपयाचे पैसे सरकारने भरायचे असं ठरलेलं होतं. आता त्या मंत्रिमंडळामध्ये एकनाथराव शिंदे पण सिनियर मंत्री म्हणून काम बघत होते आणि तेही त्यांचाही त्याला पाठिंबा होता. आता ते राज्याचे प्रमुख झालेले, त्यांनी त्याच्यामध्ये लक्ष घालावं आणि ते करावं. 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर पेश टाइगर रिजर्व के सिलारी में रन फॉर टाइगर का आयोजन किया गया. सिलारी गेट से पौनी गेट तक 7 किलोमीटर की दौड़ स्पर्धा आयोजित की गई थी.
इस दौड़ स्पर्धा में आसपास के गांव के करीब 150 युवाओं ने भाग लिया। इसमें करीब 30 महिलाओं ने भी सहभाग लिया था। रामटेक विधानसभा क्षेत्र के विधायक जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। जायसवाल ने अपने भाषण के दौरान कहा कि उनके क्षेत्र के लोगों को पेंच टाइगर रिजर्व में करीब 50 बाघ होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि सरकार इको टूरिज्म के माध्यम से आजीविका उत्पन्न करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि चूंकि इस क्षेत्र में नहर सिंचाई की बहुत कम गुंजाइश है, वे बोरवेल पर जोर दे रहे हैं, जिसमें मानव पशु संघर्ष भी कम होगा। उन्होंने बाघ संरक्षण के लिए बाघ भ्रमण मार्ग के महत्व पर जोर दिया। रन फॉर टाइगर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम धनेश फाउंडेशन देवलापार द्वारा प्रायोजित किया गया था। कार्यक्रम में श्री प्रभुनाथ शुक्ला, उपनिदेशक पेंच टाइगर रिजर्व नागपुर, श्री अतुल देवकर, सहायक वन संरक्षक धनेश फाउंडेशन, स्मृता गुप्ता, श्री मंगेश ताते, वन रेंज अधिकारी पूर्वी पेंच पिपरिया, श्री राहुल शिंदे, वन रेंज अधिकारी चोरबाहुली, श्री अभिजीत इलमकर, वन रेंज अधिकारी देवलापार, श्री संजय मोहोद, वन रेंज अधिकारी सालेघाट, श्री विशाल चौहान, वन रेंज अधिकारी पश्चिम पेंच, श्री प्रवीण लेले, वन रेंज अधिकारी नागलवाड़ी और अजिंक्य भटकर, मानद वन्य जीव वार्डन नागपुर। इस गतिविधि में वन क्षेत्र पूर्वी पेंच, पवनी, चोरबाहुली और देवलापार के सभी फील्ड स्टाफ ने सक्रिय रूप से सहभाग लिया। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।